हमीरपुर शहर की नालियां जल्द चकाचक की जाएंगी। नगर परिषद हमीरपुर ने शहर में सफाई अभियान शुरू कर दिया है। शहर की ब्लॉक नालियों को साफ किया जा रहा है ताकि दुकानदारों व राहगीरों को बदबू से निजात मिल सके। दुकानदार भी नालियों की साफ सफाई शुरू होने से काफी खुश नजर आए। आपको बता दें कि नगर परिषद हमीरपुर ने शहर की ब्लॉक नालियों को साफ करने का काम सोमवार से शुरू कर दिया है। नालियों की गंदगी को साथ चल रहे टेम्पो में भरा जा रहा है ताकि शहर देखने में भी सुंदर लग सके। शहर के गांधी चौक से लेकर अस्पताल चौक तक दोनों तरफ की नालियों को साफ किया जाएगा, जो कि जगह जगह से ब्लॉक पड़ी है। ऐसे में दुकानदारों व राहगीरों को जल्द ही बदबू से निजात मिलेगी। शहर की सभी नालियों के ग्रिल को उठाकर साफ किया जा रहा है। यही नहीं, शहर में जिन दुकानदारों ने नालियों पर सामान सजाया है या फिर नालियों पर सामान रखकर दुकानदारी कर रहे हैं, उनका सामान उठाकर नालियों की साफ सफाई की जा रही है। ऐसे में शहर की नालियों को अतिक्रमण मुक्त करने का अभियान भी एक साथ शुरू किया गया है, ताकि बाजार को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। बताया जा रहा है कि कोरोना महामारी में शहर की नालियों की साफ सफाई नहीं हो रही थी, इसके चलते नालियां जगह जगह से ब्लॉक हो गई थी। ऐसे में दुकानदारों व राहगीरों को बदबू झेलनी पड़ रही थी, जिससे अब उन्हें जल्द ही निजात मिलेगी। नगर परिषद हमीरपुर के कार्यकारी अधिकारी किशोरी लाल ठाकुर ने कहा कि गांधी चौक से लेकर अस्पताल चौक तक की नालियों को दोनों तरफ से साफ किया जा रहा है। नगर परिषद के जिन दुकानदारों ने नालियों पर सामान सजा रखा है या फिर दुकानदारी कर रहे हैं, वे जल्द से जल्द अपना सामान उठाना सुनिश्चित करें ताकि नालियों की प्रॉपर सफाई हो सके। कार्यकारी अधिकारी ने शहर के दुकानदारों से सफाई अभियान में सहयोग की अपील की है। ये जो आज नालियों की सफाई की जा रही है, हमने मुख्य बाजार का निरीक्षण किया और पाया कि कुछ एक स्थानों पर नालियां जो है वो सब्जी सड़ी सब्जी जो लोग दुकानदार डालते हैं उसके कारण अवरुद्ध हो गई हैं, जिनकी सफाई करवाई जानी जरूरी थी। इसलिए मैंने जो सफाई के इंचार्ज हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको निर्देश दिए हैं कि आप सफाई कर्मचारियों को लेकर मुख्य बाजार में जाएं और अपने जो हमारी नगर परिषद की नालियों की सही तरीके से सफाई करवाएं। तो हम इन नालियों की सफाई ऊपर गांधी स्टैचू से लेकर नीचे हॉस्पिटल चौक तक मुख्य बाजार की दोनों तरफ की नालियों की सफाई करवाएंगे, और उसके उपरांत अगर हमें लगता है 10-15 दिन के बाद दोबारा इन नालियों की सफाई करवाने की ज़रूरत है, तो हम दोबारा इन नालियों की सफाई क्रमबद्ध तरीके से करवाएंगे।